This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 14 सितंबर 2020 की calls की. देखिए हमने आपको दिए थे बहुत सारे stock जिसमें से तीन stock में हमारा trade नहीं हो पाया. क्या reason था मैं दिखा देता हूँ एक एक stock आपको. देखिए जैसे कि आप chart में देख पा रहे होंगे हमने आपको �

बाइंग uh, प्राइस की लाइन है शॉर्ट सेलिंग प्राइस की लाइन ये भी तो क्या होगा स्टॉक अगर गैप अप ओपन हुआ है तो वो क्या करेगा नीचे आएगा उसके बाद यहाँ पे एक मिनट का होल्ड लेगा यहाँ पे कहीं पे एक मिनट का होल्ड लेगा उसके बाद यहाँ से फिर बढ़ने लगेगा तब आप बाई ऐसी कंडीशन में आप बाई करेंगे और गैप फिल भी ऐसी होगा ये आप वेट करेंगे खाली टेन ए एम तक उसके बाद आप स्टॉक को छोड़ देंगे जैसे गैप फिल नहीं हो पाया इसमें एक मिनट का होल्ड लेना बहुत ज़रूरी है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में बार बार आपको कहता हूँ तो बाकी के दो स्टॉक मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा जौँग जौँग हो क्योंकि मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे मैं दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर कॉल दी थी आपको वो देखिए भारत दी थी और हिंदू सिंक दी थी जिसमें हमारे शॉर्ट सेलिंग साइट का पूरे टारगेट अचीव हुए और बाकी इसमें नोट रेट है नोट रेट कैसे रहा जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया गैप अप ओपन होने के बाद उसने गैप रिफिल नहीं किया अब गैप अप ओपन होने के बाद गैप रिफिल ना करना ये हमारे हाथ में भी नहीं आपके हाथ में भी नहीं है तो इससे कुछ कर नहीं सकते हम खाली वेट कर सकते टेनएम का जो कि ये लोग फुलफिल नहीं कर पाए बाकी तो हमारे स्टॉक्स ये थे इन जिन में से दो में हमारा जो था ये हमारी पेड क्लाइंट्स के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए कॉल थी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाके और लेटेस्ट अपडेट में जाके सब चीज़ देख सकते हैं इनके लेवल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे बी में हमारा क्या हुआ बाई साइड का एक टारगेट अचीव हुआ शॉर्ट सेलिंग साइड का क्या हुआ पहले एस हिट हुआ फिर फर्स्ट टारगेट प्राइस अब मैं बात कर लूँ बी की तो बी में क्या हुआ पहला टारगेट प्राइस अचीव हुआ फिर हमारा शॉर्ट सेलिंग के साइड का एस हिट हुआ उसके बाद हमारा टारगेट भी अचीव होगा तो मैं बोलता हूँ अगर पहली बार में हमारा एस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं इसीलिए बोलता हूँ देखिए यहाँ पे एस एल हो के होकर रिकवरी इसने इजीली कर लिया था बाकी तो सब सही रहा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए जो स्टॉक्स मैंने चुने है उनमें से पहला है जब लेवल ब्रेकआउट होगा एक्सिस बैंक का फोर फोर्टी वन पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे टारगेट रहेगा फोर फोर्टी थ्री फोर फोर्टी नाइन और फोर फिफ्टी फोर का स्टॉपलेस रहेगा फोर एट थर्टी एट का वही गैप है ओपन होने पर आपको वेट करना है टेन ई एम तक गैप फिल हो जाएगा फिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे एक मिनट का होल्ड लेगा उसके बाद ऊपर या नीचे जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल या बाय कर सकते हैं ये ऐसे ही गैप डाउन ओपन होने पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है अगर 10 बजे के बाद होता है तो आप उसे स्टॉक उस को छोड़ देंगे तो शॉर्ट सेलिंग प्राइस इसकी रहेगी थ्री फोर थर्टी सिक्स की फोर थर्टी सिक्स के नीचे जब स्टॉक आ जाएगा यानी कि फोर थर्टी फाइव पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा स्टॉक की प्राइस तब आप इसे शॉर्ट सेल कर लेंगे टारगेट रहेगा फोर थर्टी फोर फोर ट्वेंटी एट फोर ट्वेंटी टू का स्टॉक लॉस रहेगा फोर फोर्टी का अगला स्टॉक है यू UPL यू आप बाय करके चलेंगे फाइव वन नाइन पे टारगेट रहेगा फाइव ट्वेंटी वन फाइव ट्वेंटी एट फाइव थर्टी फोर स्टॉप लॉस रहेगा फाइव वन फाइव का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी जब लेवल ब्रेकआउट होगा फाइव वन फोर का टारगेट प्राइस रहेगा फाइव वन टू फाइव जीरो सिक्स फाइव हंड्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका फाइव वन एट का ध्यान रखेंगे लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है डिस्प्ले में आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी करनी हो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट मार सकते हैं कोई भी प्लान आपको खरीदना हो या फिर आपको आप हमें भी व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके अपना प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ